धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, क्योंकि ये है इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से गांव में खुशहाली की लहर है। बड़े बुजुर्गों को मास्क का वितरण एवं बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। ग्राम प्रधान अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में गांव में विकास की बाढ़ सी ला दी है। आज कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है। इस महामारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री ने अब ग्रामीण अंचलों की निगरानी गांव के मुखिया और प्रधानों को दी है। वहीं कोरोना महामारी की इस घड़ी में ग्राम प्रधान अपने गाँव के लोगों को इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। गांव की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंचे इंडिया पोस्ट न्यूज को ग्राम प्रधान ने बताया कि शासन द्वारा सभी दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। गांव में सैनिटाइजर कराया जा चुका है और समय समय पर दवे का भी छिड़काव कराया जाता है। शासन द्वारा बनाए गए सभी दिशा निर्देशों का एवं गाइडलाइन का पालन किया जाता है। मजदूरों को होम क्वारंटाइन कराया जाता है एवं मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है। होम क्वारंटाइन किए गए प्रवासी मजदूरों की निगरानी के लिए टीम गठित करके इनकी निगरानी की जा रही है एवं रहन सहन की भी उचित व्यवस्था की गई है। प्रधान ने बताया कि गांव के जरूरतमंद गरीब असहाय लोगों को इनकी जरूरतों के अनुसार मदद भी की जाती है। घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मास्क सैनिटाइजर का वितरण कराते हुए बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। ग्राम प्रधान की कुशल कार्यशैली से संपूर्ण गांव में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है एवं खुशहाली की लहर दौड़ रही है। सफाई कर्मी, रोजगार सेवक और सिक्योरिटी, 5 लोग गांव के सफाई मतलब नेपाल, 15 लोग की टीम है। ये जो प्रधान जी ये बताइए, जो ये सरकार ने बेबी लॉकडाउन लगाया है 2 दिन का, इससे क्या समझते हैं आप, सही लगा है कि गलत लगा? बहुत अच्छा है, बचाव के लिए बहुत फायदा हुआ है। बचाव के लिए फायदा है, तो ये बताइए कि ग्राम सभा में लॉकडाउन लगने से आप ग्राम सभा को नुकसान हुआ फायदा हुआ है? फायदा हुआ है। तो सरकार के साथ हैं आप? हाँ। सरकार के खिलाफ नहीं है? नहीं। तो अपने परिचय दीजिएगा प्रधान। जीत लाल सरोज, ब्लॉक खोलागढ़, तहसील सुरांग, जिला प्रयागराज। बोलिए। हमारे गांव में शौचालय बहुत लोग नहीं पाए हैं, जो पहले से प्रधान लोग थे मतलब दिखा दिए बन चुकी है। अच्छा। उसमें मतलब समर मतलब असमर्थ कागज में दिखा दिए बन चुकी हाँ, है हाँ, हाँ, और मिली नहीं। हाँ, तो इसलिए हम लोग नहीं दे पाए, इसलिए दिक्कत है। कुछ लोग बहुत लोग बाकी हैं। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अगर सरकार में संशोधन हो जाएगी, सब लोग पाए जाना ज़्यादा अच्छा है। और कोई संदेश आप पहुँचाना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम सरकार तक? नहीं, और सब सही है, कोई दिक्कत और नहीं। और सब बढ़िया? हाँ।